दर्शकों नमस्कार, मैं रमेश बिजारणिया, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज मैं उन महिलाओं और पुरुषों को बताने जा रहा हूँ कि वो 40 उम्र या 35 उम्र के बाद में उनके शरीर में जैसे ही सुस्ती आती है, आलस्य आता है और शरीर ऐसे टूटा रहता है, तो वो क्या आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करे कि उनके शरीर के अंदर स्फूर्ति रहे, ताकत रहे, शक्ति रहे, बल रहे। तो इसके लिए मैं आज दो आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया करके वो ध्यान से सुने, अगर अच्छा लगे, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दर्शकों। दर्शकों, दो वो आयुर्वेदिक औषधि है, पहली आयुर्वेदिक औषधि का नाम है चंद्र प्रभावटी और दूसरी का नाम है ब्रह्म रसायन। दर्शकों, तो आप ये चंद्र प्रभावटी और ब्रह्म रसायन किसी आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से आप लेके आ जाए। दर्शकों, आपको चंद्र प्रभावटी की गोली सुबह 2 लेनी है और ब्रह्म रसायन आधा चम्मच आपको दूध के साथ लेना होता है। दर्शकों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक्चुअली में क्या होता है कि 35 और 40 साल के बाद में आपके शरीर में सुस्ती आ जाती है, तो इसके लिए ये दोनों आयुर्वेदिक औषधि बहुत अच्छी और रामबाण औषधि होती है। दर्शकों, आप किसी भी कंपनी और जो आपको सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे, उस कंपनी की आप ये दोनों आयुर्वेदिक औषधि लेके आ जाए और इनका सेवन करें। दर्शकों, चंद्र प्रभावटी की 2 गोली किसी भी पानी के साथ ले सकते हैं, गर्म के साथ भी ले सकते हैं, नरम के साथ भी ले सकते हैं। तो दर्शकों, ब्रह्म रसायन को आप दूध के साथ जरूर सेवन करें। ये दोनों अगर आप कंटिन्यू पर डे सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी, आपके शरीर में कभी भी वीकनेस नहीं आएगी, आपका शरीर हमेशा स्फूर्ति रहेगी, बल रहेगा, शक्ति रहेगी, ताकत रहेगी। तो दोनों आयुर्वेदिक औषधि का जरूर सेवन करें। दर्शकों, महिला और पुरुष दोनों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। तो दर्शकों, आप जाकर आयुर्वेदिक औषधि की दुकान पर ये चंद्र प्रभावटी और ब्रह्म रसायन ले ले और इनका सुबह सुबह सेवन करना होता है। दर्शकों, शाम को सेवन ना करें। सुबह इनका सेवन करने के बाद में 1.5-2 घंटा तक आप कुछ भी सेवन ना करें, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि हो चाहे कोई भी खाना पीना हो, उसके 1.5-1 घंटा तक आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, क्योंकि वो पूरे शरीर में उसका पाचन होता है और उसके शरीर के सारे ऑर्गनों में वो समा जाता है। उसके बाद में आप कोई चीज़ लेते हैं तो नुकसान नहीं करती है। तो दर्शकों, इस प्रकार आप ये दोनों आयुर्वेदिक औषधि लेके आ जाएं और जरूर सेवन करें, अपने शरीर को अच्छा रखें। दर्शकों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।